हाउ डू विल द सर्वे फॉर्म, ज्यादातर लोगों को सर्वे फॉर्म थोड़ा बनाना नहीं आता, सर्वे फॉर्म तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखेगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बेवांछा नहीं है, बिगनर लोगों के लिए ये सर्वे फॉर्म। तो इसी हिसाब से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, अब मैं सर्वे फॉर्म की आपको फाइल दिखा देता हूँ। ये हम लोग सबसे पहले अपनी इमेज दिखा रहे हैं। तो ये है हमारी इमेज और ये हम लोग बनाने जा रहे हैं सर्वे फॉर्म। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल पे जाके ओपन विद से कर लेता हूँ, जैसे कि सूट से नज़र ऐप इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि सबलाइन के साथ। और फिर यहाँ की तरफ से जो हमारी बाकी सारे प्रोजेक्ट्स खुले हैं वो सारे मैं बंद कर दूंगा सवाए लॉग इन फॉर्म के। इधर से हमने इन सबको बंद कर दिया और सवाए लॉगिन फॉर्म के, बल्कि सारों को बंद कर दिया। अब हम लोग वापस खोल लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ से मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल पे गए, ओपन विद, इसे मैंने ओपन विद कर लिया, जैसे कि नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ और की तरफ गए है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने सबलाइन टेक्स्ट वगैरह ओपन कर दिया, कंट्रोल ए के साथ हमने इसे इरेज किया, सेव किया, फिर यहाँ की तरफ गए। फिर सीएसएस की फाइल हम लोग उसे ओपन विद, फिर यहाँ की टू सेंडर है, फिर यहाँ की तरफ से हम लोग नीचे की तरफ गए, फिर हमने सबलाइन टेक्स्ट इरेज किया, इसे ओपन किया कंट्रोल ए, और फिर कंट्रोल ए करने के बाद इसे हमने इरेज किया, सेव किया। फिर हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल में गए। अब फाइल एक्सप्लोरर पे जाके हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं हम लोग अपना अपना काम करने। आप जैसे मैंने इन सबको बता दिया, अब मैं क्या करते हैं, हम लोग करना क्या है, इधर जाके हमने एच टी एम ए लिख देना है। एच टी एम ए लिखने के बाद टाइप, और फिर एच टी एम ए लिखने के बाद यहाँ की तरफ से मैं ऊपर इधर की तरफ मैं इधर क्या करता हूँ, उसके नीचे जाके इधर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एंटर प्रेस। यहाँ की तरफ से जो भी हमारा जो ये वाला ऊपर वाला मेथड था यूटीएफ, इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब डिलीट करने के बाद अब यहाँ की जब हम लोग नीचे गए, फिर हमें यहाँ पे डिफाइन कर लेना है टाइटल, और टाइटल में दे देता हूँ जैसे कि एनिमेटेड एनिमेटेड लॉग इन फॉर्म। और फिर इतना देने के बाद इधर नीचे गए, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं लिंक, और फिर लिंक में डिफाइन कर लूँगा स्टाइल, सॉरी सी एस एस स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इतना करने के बाद यहाँ की तरफ से इसे हमने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इधर से हमने ये वाला टाइटल भी हटा दिया। अब हमें क्या करना है, इधर हमने लिंक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गए, यहाँ की तरफ हम लोग फिर एंटर प्रेस कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं लिंक। अब मैं लिंक कर देता हूँ एक और चीज़, तो हमने यहाँ की तरफ से इसे इरेज किया, इरेज किया। अब इधर हम लोग डिफाइन करते हैं, अब हम लोग लिंक दे देंगे फॉन्ट ऑसम का। अब मैं फॉन्ट दे दूंगा जैसे के, सॉरी यहाँ से हमने इसे इरेज किया। यहाँ की तरफ से जब मैं गया जाता हूँ तो यहाँ पे आप लिख देंगे ईस्ट लीजिए जैसे के ए, यहाँ पे आप लिख दे एच टी टी पी एच स्लैश, और फिर स्लैश लगाने के बाद जहाँ पे हमने स्लैश लगा दिया एच टी टी पी एच स्लैश फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, इधर आपको लगा देना है जैसे कि डॉट गूगल ई गूगल गूगल ऐप पेज, और फिर यहाँ पे हमने लिख दी गूगल ऐप पेज डॉट कॉम। फिर इसके आगे रखे यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर लिया सी एस एस, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि फैमिली, और फिर फैमिली लिखने के बाद यहाँ की तरफ से हमने जैसे कि पॉप पेंट्स लिखने के बाद आगे जब गए, फिर यहाँ की तरफ से हमने डिफाइन कर लिया जैसे कि 600, और फिर यहाँ की तरफ हमने स्लैश लगा के सॉरी एंड एंड का हम लोग ने लगा के यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि डिस्प्ले। अब डिस्प्ले लिखने के बाद इसके यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि स्लैश लगा के स्वाप। अब फिर स्वाप लिखने के बाद जहाँ पे हम लोग ने लिख दिया रेल शुल बी स्टाइल शीट। अब जब हमारा इतना हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ से बॉडी और हेड के नीचे आगे हम लोग यहाँ पे इमेज डिफाइन कर लेते हैं। इमेज की हम लोग क्लास दे देंगे, सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। क्लास में दे दूंगा जैसे कि वेव की क्लास हमने डिफाइन कर ली जैसे कि वेव। और फिर वेव डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ से हम लोग यहाँ की तरफ से आगे की स्पेस देके यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे जैसे कि आई एम जी स्लैश वेव डॉट पी एन जी। और फिर इतना देने के बाद अब मैं आगे की तरफ गया, यहाँ की तरफ हमने डिव दे दिया, फिर क्लास हम लोग डिफाइन कर लेंगे कंटेनर। अब फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे डिव दे दी, अब क्लास हमने दे दी आई एम जी, फिर हमने स्लैश लगा के एंटर प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया आई एम जी। फिर शेरिक, अब फिर शेरिक डिफाइन करने के बाद आई एम जी स्लैश यहाँ पे हमने दिया जैसे कि बी जी डॉट एस वी जी। और फिर यहाँ की तरफ हमने एंटर प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे सॉरी एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया डिव क्लास, इस बार हम लोग क्लास दे देंगे लॉग इन,
लॉग इन सिलेक्ट कंटेंट की और फिर यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया, फिर हम लोग को यहाँ भी रन कर लेना फॉर्म। अब फॉर्म दे दिया मैंने, फिर फॉर्म की एक्शन दे देते हम लोग, एक्शन फॉर्म एक्शन हमने दे दिया जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और फिर इतना देने के बाद यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ भी हमने डिफाइन कर लिया आई एम जी इमेज, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया आई एम जी स्लैश अवेतर 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 डॉट पी एन जी। अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इतना हमारा वेव भी आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं इतने में है और ये हमारा ये सब आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं। अभी इन सबको हमें करना है अलाइन। अब इसके अब जब हमारा अब इतना हमारा होने के बाद इंडेक्स एच टी एम एल के नीचे अवैतर भी लिख दिया, हम लोग इसके नीचे जाके हम लोग एच डिफाइन कर लेंगे, एच टू में डिफाइन कर लूँगा जैसे कि एक क्लास, और फिर क्लास हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अब क्लास हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कि एक बार हम लोग ने इमेज अवैतर दिया, अब हम लोग इसके नीचे जाके एक एच टू की क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास हमने दे दिया टाइटल, टाइटल देने के बाद यहाँ की तरफ हमने टाइटल दे दिया जैसे कि सर्वे फॉर्म, आप यहाँ पे कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर्वे फॉर्म। तो सर्वे फॉर्म लिखने के बाद इसके नीचे एंटरप्राइज किया देव, और फिर इस बार हमने क्लास दे देंगे जैसे कि इनपुट इनपुट स्लैश देव, और फिर स्लैश लगा के यहाँ पे सॉरी स्लैश नहीं यहाँ पे वन लिख दिया, और फिर वन लिखने के बाद एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ पे हमने देव दे दिया, अब इस बार हम लोग क्लास देंगे वन की, और फिर वन देने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ की तरफ से हमने एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ पे हम लोग आई डिफाइन करेंगे आई, और फिर आई डिफाइन करने के बाद एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ पे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास में दे दूंगा जैसे कि एफ ए एस एफ ए स्लैश यूजर, और फिर यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया, फिर हमने यहाँ की तरफ से सॉरी एंटरप्राइज नहीं किया एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ पे हम लोग देव क्लास दे देंगे, क्लास इस बार मैं दूंगा देव की, और फिर देव दे और फिर एंटरप्राइज किया, फिर हमने यहाँ की तरफ क्या लिख लेना है यहाँ की तरफ सिर्फ हमारा इतना हो जाता है एच फाइव, और एच फाइव दे देंगे यूजर नेम का, यूजर नेम का एच फाइव देने के बाद इधर से हमने क्या करना है इनपुट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे इनपुट, और फिर इनपुट का टाइप पे लिख देंगे टेक्स्ट, और फिर हम लोग यहाँ की तरफ से क्लास डिफाइन कर लेते हैं, और फिर क्लास मैंने डिफाइन कर ली जैसे कि यहाँ की तरफ से जाके इनपुट की हमने क्लास डिफाइन कर ली इस डिप के नीचे जाके, अब हम लोग को क्या करना है दो डिप के नीचे जाके बल्कि दो डिप के नीचे जाके अब हमें डिफाइन कर लेना है जैसे कि यहाँ की तरफ से हमने डिफाइन कर लिया जैसे कि देव, और फिर देव लिखने के बाद क्लास डिफाइन कर दी, क्लास में डिफाइन कर लूँगा आज जैसे कि इस बार हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे इनपुट स्लैश देव स्लैश स्लैश सॉरी नॉट स्लैश पास, और फिर एंटरप्राइज किया, फिर एंटरप्राइज करने के देव, और फिर इस बार हम लोग क्लास देंगे आई की, फिर हमने एंटरप्राइज किया, फिर हमें क्या करना है फिर हमें आई डिफाइन करना है यहाँ पे, और फिर आई डिफाइन करने के बाद क्लास दे देना, क्लास हमें दे देना है एफ ए एफ एस एफ ए, और फिर आगे फिर यहाँ पे हमने लॉक लिख दिया, फिर लॉक लिखने के बाद हमने यहाँ की तरफ से जब हमारा इतना हो जाता है, फिर यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ पे देव, और फिर क्लास डिफाइन कर लेना, क्लास हमने डिफाइन कर ली देव, और फिर एंटरप्राइज किया, फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेना एच फाइव, एच फाइव दे दिया मैंने पासवर्ड, और पासवर्ड देने के बाद हमें नीचे की तरफ गया एच फाइव के नीचे गया, यहाँ पे हम लोग ने इनपुट डिफाइन कर लिया, इनपुट डिफाइन कर लेंगे टाइप, टाइप दे दिया मैंने पासवर्ड, और फिर नेम पे हम लोग को डिफाइन कर देना क्लास, और क्लास हम लोग इस बार दे देंगे, क्लास मैंने दे दी जैसे कि इनपुट, और फिर इनपुट की क्लास देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करने के बाद दो डिप के नीचे आ गया, हमने फिर क्या करना है फिर हमें आगे तरफ से एच डिप डिफाइन कर लेना है, एच डिप में डिफाइन कर लेता हूँ जैसे कि इसके नीचे जाके इधर हमने एच डिप डिफाइन कर लेना है, एच डिप मैं दे दूंगा जैसे कि यहाँ की तरफ से स्लैश लगा के इधर हमने दे दिया फॉरगॉट फॉरगॉट पासवर्ड, फिर फॉरगॉट पासवर्ड देने के बाद मैं क्या करता हूँ इधर मुझे डिफाइन कर लेना है, इधर से हमने एंटरप्राइज किया, यहाँ पे हमने इनपुट डिफाइन कर लिया, इनपुट में टाइप पे दे दूंगा, टाइप मैंने दे दिया सबमिट, और सबमिट देने के बाद इधर हम लोग फिर से इधर से हटा के क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास मैंने डिफाइन कर लेनी है जैसे कि क्लास में डिफाइन कर लूंगा जैसे कि बी टी एन, बी टी एन की मैं क्लास डिफाइन कर ली, आगे की तरफ गए वैल्यू, फिर वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करके लॉग इन लिख देंगे, फिर आगे तरफ से हमने एंटर प्रेस किया, फिर इतना हमारा हो चुका है, तो इन दो डिप के नीचे जाके अब जो हमारा इधर के नीचे की स्क्रिप्ट डिफाइन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डिफाइन करने के बाद अब हमारा सब कुछ हो चुका है, बस हमें यहाँ पे आगे जाके एस आर सी लिख देना है, यहाँ पे हमने लिख दिया जे एस स्लैश मेन डॉ मेन डॉट जे एस, सेव करा रिफ्रेश किया, तो हमारा एच टी एम एल के सारा काम तकरीबन हो चुका है, तो यहाँ की तरफ हमें इधर जो हमने क्या करना है ऊपर की तरफ गया मैं जरा, तो यहाँ की तरफ से जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ
तो यहाँ पे हमें अवेतन नहीं लिखना। तो यहाँ की तरफ से मैं गया हमने फाइल पे, यहाँ की तरफ से हमने अवेतन नहीं लिखना। हाँ यहाँ की तरफ हमें लिख देना, जैसे के वैसे मैंने बताया यहाँ पे हमने डब्बे बेस, यहाँ पे हमें क्या कर लेना, यहाँ की तरफ से हमने ऐसे एक कॉपी किया, यहाँ की तरफ से इधर गए, फिर यहाँ की तरफ से हमने ऐसे पेस्ट किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ये आप देख सकते हैं इतना हमारा आ चुका है तकरीबन। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा सारा काम है CSS का। अब मैं क्या करता हूँ, CSS पे चला जाता हूँ। अब CSS का हमारा सारा काम है, तो हम लोग अब CSS पे सब कुछ लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे तब से जाके एक थोड़ा से बड़े कर लेते हैं, और फिर सबसे पहले पैडिंग दूंगा 0। अबे मार्जिन भी दे देंगे हम लोग 0। अबे मार्जिन दे देंगे, फिर बॉक्स साइजिंग दे देंगे, जैसे कि सॉरी बॉक्स साइजिंग दे देंगे हमें, बॉक्स साइजिंग शुड बी बॉर्डर बॉक्स। उसके नीचे हमें क्या करना है, इधर बॉडी डिफाइन कर लेनी है, बॉडी हम लोग दे देंगे फॉन्ट फैमिली शुड बी स्लैश लगा के पॉपिन, स्लैश लगा के सेंस सेरिफ, एंटर प्रेस किया। यहाँ की तरफ से ओवरफ्लो दे दिया मैंने हिट देन, फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, डॉट वेव डिफाइन कर लेंगे, वेव डिफाइन कर ली, जैसे कि पोजीशन शुड बी फिक्स्ड डिफाइन कर लिया मैंने, फिक्स्ड एंटर प्रेस किया। फिर हमने बॉटम डिफाइन कर लेंगे, बॉटम दे दिया मैंने 0, एंटर प्रेस किया, लेफ्ट दे दिया जैसे कि 0। फिर इसके नीचे एंटर प्रेस करने के बाद हाइट, हाइट शुड बी 100%। इसके नीचे जाके हमने डेप्थ इंडेक्स डिफाइन कर लेंगे, शुड बी 1, सॉरी -1, -1 डिफाइन करने के बाद यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, डॉट कंटेनर, फिर डॉट कंटेनर डिफाइन करने के बाद एंटर प्रेस किया, यहाँ पे वर्थ वर्थ दे दिया मैंने 100 VW, और फिर एंटर प्रेस किया। फिर हमने हाइट, और फिर हाइट डिफाइन कर लेंगे, हाइट हमने डिफाइन कर ली जैसे कि 100 VH। फिर इसके नीचे एंटर प्रेस किया, फिर हमने डिस्प्ले दे दी, डिस्प्ले मैंने दे देना ग्रिड। फिर इसके नीचे जाके फिर हमने ग्रिड टेम्पलेट, फिर ग्रिड टेम्पलेट देने के बाद हमें क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ हमें गेट टेम्पलेट, ग्रेट टेम्पलेट शुल बी कॉलम, कॉलम देने के बाद जहाँ की तरफ हमने रिपीट डिफाइन कर लिया, रिपीट दे दिया 2,1 FR, फिर FR 2,2,1 FR, फिर FR। फिर यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, यहाँ की तरफ से हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ की तरफ से ग्रेट एप, ग्रेट एप डिफाइन कर लेना है, यहाँ पे हमें लिख देना ग्रेट एप, ग्रेट गैप, सॉरी ग्रेट गैप, ग्रेट गैप दे देंगे 1.-1 आ रही है। इधर से हमने थोड़ा सा आगे गए, पैडिंग हमें डिफाइन कर लेनी है 0, आगे 2 आ रही है। फिर हमें क्या करना है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब हमें यहाँ पे IMG डिफाइन करना है, इमेज आई इमेज। फिर हमने यहाँ की तरफ से इमेज डिफाइन कर लें डॉट IMG। फिर यहाँ की तरफ से हमें डिफाइन करना है डिस्प्ले शुड बी फ्लैक्स। इसके नीचे आगे 10.5 10 दे दी मैंने जैसे कि फ्लैक्स एंड। फिर इसके नीचे आगे हमने अलाइन आइटम दे दिया जैसे कि सेक्स दैट। इसके फिर नीचे जाके डॉट लॉग इन डिफाइन कर लिया, लॉग इन दे दिया मैंने स्लैश कॉन्टेंट। और फिर आगे जाके हमने एंटर प्रेस किया, डिस्प्ले दे दिया मैंने फ्लैक्स। फिर इसके नीचे जाके हमने डिफाइन कर लिया जस्टिफाई कॉन्टेंट शुड बी फ्लैक्स स्टार्ट। फिर फ्लैक्स स्टार्ट देने के बाद इसके नीचे की तरफ गए, फिर एंटर प्रेस किया। फिर हमने यहाँ पे अलाइन आइटम शुड बी सेंटर, फिर यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट अलाइन शुड बी सेंटर, यहाँ पे हमने डॉट IMG, आगे जाके IMG। और फिर यहाँ की तरफ हमने विड्थ डिफाइन कर ली, विड्थ हमने डिफाइन कर ली 500 pixels। फिर एंटर प्रेस किया, फॉर्म डिफाइन कर लेंगे, फॉर्म हमने डिफाइन कर लिया ऐसे कि विड्थ विड्थ शुड बी 360 pixels। और फिर यहाँ की तरफ से हमने एंटर प्रेस किया डॉट लॉग इन, डॉट लॉग इन कॉन्टेंट। और फिर आगे जाके हमने लिख दिया IMG। और फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया हाइट, और फिर हाइट दे दिया 100 pixels। और फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया डॉट लॉग इन कॉन्टेंट, डॉट लॉग इन कॉन्टेंट शुड बी H2। और फिर H2 डिफाइन करने के बाद मार्जिन, मार्जिन दे दिया 50 pixels, आगे जाके 0। फिर यहाँ पे हमने कलर डिफाइन कर लिया, कलर में डिफाइन कर लिया 333। और फिर यहाँ की तरफ हम लोग नीचे की तरफ गए थोड़ा सा, फिर एंटर प्रेस किया। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि हम लोग ने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया जैसे कि अपर केस, अपर केस। फिर अपर केस देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ से इतना जब हमारा हो जाता है, यहाँ पे हम लोग ने एक दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज शुड बी 2.9 आ रही है। फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, एंटर डॉट लॉग इन, डॉट लॉग इन कॉन्टेंट दे दिया मैंने जाके डॉट इनपुट देव। और फिर आगे जाके हमने ऐसे एंटर प्रेस किया, तो यहाँ की तरफ से डॉट लॉग इन कॉन्टेंट के आगे यहाँ पे हमने स्लैश लगा के एंटर प्रेस किया। फिर आगे की तरफ गए तो यहाँ की तरफ हमें डिफाइन कर लेना मार्जिन टॉप, फिर मार्जिन टॉप में डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे ही मार्जिन टॉप मैंने डिफाइन कर ली 0, एंटर एंटर। फिर यहाँ पे डॉट आई डिफाइन कर लेना हमें,
डॉट आई डिफाइन कर लेते हैं एज कलर, फिर कलर हमने डिफाइन कर लेते हैं कलर, कलर हमने डिफाइन कर लिया जैसे कि स्लैश लगा D9, तो यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, यहाँ पे डिस्प्ले दे देंगे फ्लैग, इसके नीचे ही जाके हमने जस्टिफाई कंटेंट डिफाइन कर लेना है, जस्टिफाई कंटेंट शुड बी सेंटर, इसके नीचे जाके हमने अलाइन आइटम डिफाइन कर लेना है, अलाइन आइटम भी हमने सेंटर दे रहे हैं, एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे डॉट आई आई, फिर आगे जाके हमें ट्रांजिशन दे देना है, ट्रांजिशन मैंने दे दी जैसे कि डॉट वन सेकेंड, और फिर इधर से हमने एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ की तरफ से डॉट वन सेकेंड नॉट थ्री सेकेंड, यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे डॉट इनपुट डिफाइन कर लिया, डॉट इनपुट स्लैश विल बी देव, डॉट इनपुट स्लैश देव, और फिर यहाँ की तरफ से जाके हमने डिफाइन कर लिया देव, और फिर यहाँ की तरफ हमने पोजीशन दे दी, पोजीशन दे दी मैंने रिलेटिव, और फिर जब से हमने एंटर प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली हाइट, हाइट दे दी 45 pixels, हाइट दे दी 45 pixels, फिर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, डॉट इनपुट शुड बी देव, सॉरी यहाँ की तरफ से डॉट इनपुट शुड बी देव, और फिर यहाँ की तरफ से डॉट लगा देना है, फिर यहाँ की तरफ हमें वही डिफाइन कर लेना है स्लैश शुड बी आगे आगे देव, अभी देव लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे डिफाइन कर लेना है H5, अभी H5 डिफाइन करने के बाद एंटर प्रेस किया, पोजीशन दे दी जैसे कि F11, अभी इसके नीचे जाके हमने लेफ्ट दे दिया, लेफ्ट दे दिया 10 pixels, अभी टॉप दे दिया, टॉप दे दिया हमने जैसे कि 50 pixels, इसके नीचे जाके ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म मैंने डिफाइन कर लिया जैसे कि ट्रांसलेट, ट्रांसलेट शुड बी वाई, और फिर यहाँ की तरफ से हमने -50% लिख दिया, -50% करने के बाद यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, और फिर कलर डिफाइन कर लेंगे, कलर हमने रेडी किया 3999 डिफाइन करने के बाद यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ की तरफ से फॉन्ट साइज डिफाइन कर लेंगे, फॉन्ट साइज दे दिया 18 pixels देने के बाद एंटर प्रेस किया, ट्रांजिशन हमने दे देंगे जैसे कि 0.3 सेकेंड देने के बाद यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, डॉट इनपुट शुड बी देव, और फिर यहाँ की तरफ हमने स्लैश लगाई बिफोर लिख दिया हमने जैसे कि आगे जाके कॉमा डॉट देव सॉरी इनपुट देव, और फिर इनपुट देव देने के बाद यहाँ पे हमने दिया आफ्टर, और फिर आफ्टर देने के बाद यहाँ पे कंटेंट दे देंगे हमने जैसे कि बस अब हमें एंटर प्रेस करना, फिर हमने दे दिया पोजीशन शुड बी एक्चुअली के नीचे रहकर बॉटम में डिफाइन कर लूँगा, बॉटम मैंने दे दी -2 pixels के नीचे, एंटर प्रेस करके यहाँ पे हमने विड्थ डिफाइन कर लेंगे, विड्थ मैं दे दूंगा जैसे कि 0% देने के बाद यहाँ की तरफ से 0%, इसके नीचे जाके हाइट डिफाइन करेंगे, हाइट 2 पिक्सल देने के बाद बैकग्राउंड कलर हम डिफाइन कर लेंगे जैसे कि स्लैश लगा के 3 3 0 3 8 D 3 8 D, और फिर यहाँ पे हमने दिया 3 9 F, फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस किया, अब हमें करना क्या है, इसके नीचे ही जाके हमें दे देना है ट्रांजिशन शुड बी 0.4 सेकेंड, अब यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ की तरफ से डॉट इनपुट शुड बी देव, और फिर यहाँ की तरफ से स्लैश लगा बिफोर लगा देना है, बिफोर एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने राइट डिफाइन कर लिया, राइट हमने डिफाइन कर दिया 50%, अब एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया डॉट इनपुट देव, और फिर डॉट इनपुट शुड बी देव, और फिर यहाँ की तरफ से हमें क्या करना है, यहाँ की तरफ हम लोग लिखेंगे इस बार आफ्टर, और फिर यहाँ की तरफ से एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट डिफाइन करेंगे 50%, और फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर हमने यहाँ की तरफ से डॉट इनपुट शुड बी देव, अब डॉट फोकस अब डॉट फोकस, अब फोकस लिखने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ की तरफ से स्लैश लगा के हमने आगे आके देव, फिर यहाँ की तरफ से आगे जाके ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया H5 डिफाइन करने के बाद बस टॉप डिफाइन कर लिया जैसे कि -5 pixels, एंटर प्रेस किया, फॉन्ट साइज शुड बी 15 pixels, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हमने डॉट इनपुट शुड बी देव, और फिर आगे जाके हमने यहाँ की तरफ से लिख दिया डॉट फोकस लिखने के बाद यहाँ की तरफ से हमने लगा दिया स्लैश शुड बी .i, फिर हमने यहाँ की तरफ से गए, फिर यहाँ पे हमने आगे जाके आई लिख दिया, फिर आई लिखने के बाद जहाँ की तरफ से कलर भी हमें लिख देना है जैसे कि हमने कलर डिफाइन कर लिया जैसे कि 3 8 D 3 9 F, फिर यहाँ की तरफ से हमने एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया डॉट इनपुट शुड बी देव, और फिर आगे जाके यहाँ पे हमने दिया देव, फिर आगे जाके हमने यहाँ पे आगे गए, फिर यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया इनपुट स्लैश लगाए पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, इसका नीचे आगे लेफ्ट दे दिया जैसे कि 0
तो आप दे दिया जैसे कि 0, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इतना हमारा तकरीबन बन चुका है। अब हमें बस थोड़े से और काम कर लेने अपने, तो ये हमारा ताकि पूरा ही बन जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इतना हमारा जब हो चुका था पोजीशन टॉप लेफ्ट देने के बाद नीचे गए, फिर हम लोग को दे देनी है वेयर शुड बी 100%, इसके नीचे गए हाइट आई शुड बी 100%, इसके नीचे एंटरप्राइज किया, फिर हमने दे दिया बॉर्डर शुड बी नन, आउटलाइन शुड बी नन, और फिर आगे जब से एंटरप्राइज किया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड शुड बी नन, सॉरी नन, फिर इसके नीचे एंटरप्राइज किया, फिर हमने यहाँ पे रिपन कर लेना पैडिंग, पैडिंग शुल बी 0.5 आ रही है, आगे जाके 0.7 आ रही है, एंटरप्राइज किया फॉन्ट साइज शुल बी, फॉन्ट साइज शुल बी 1.2 आ रही है, आगे से एंटरप्राइज किया कलर, कलर शुल बी F55, फिर नीचे गए फिर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली दे दिया जैसे कि हमने, जैसे कि फॉन्ट फैमिली दे दी, पॉप इंच देने के बाद जहाँ की तरफ से हमने आगे जाके यहाँ की तरफ से कॉमा सैन शेरिफ, यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया डॉट इनपुट शुल बी देव डॉट पास, फिर पास देने के बाद जहाँ की तरफ से हमें क्या करना है, यहाँ की तरफ से हमें मार्जिन बॉटम डिफाइन कर लेना है, जैसे कि 4 पिक्सल्स एंटरप्राइज, फिर यहाँ पे हमने ए डिफाइन कर लेना है, ए डिफाइन करने का डिस्प्ले शुल बी ब्लॉक, इसके नीचे आगे टेक्स्ट अलाइन शुड बी राइट, इसके एंटरप्राइज करने के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन शुड बी नन, और फिर यहाँ पे कलर शुड बी दे दिया मैंने, जैसे कि कलर मैंने दे दिया स्लैश लगा के 99, फिर एंटरप्राइज किया, फिर फॉन्ट साइज दे दिया जैसे 0.9 आ रही है, इधर एंटरप्राइज किया ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, फिर यहाँ की तरफ से होने के बाद एंटरप्राइज किया ए शुल बी हावर, आगे जाके एंटरप्राइज किया, फिर यहाँ की तरफ से हमें क्या करना है, आगे हमने कलर मैंने दे दिया 3AD39F, फिर आगे एंटरप्राइज किया, यहाँ की तरफ से डॉट BTN दे दिया डिस्प्ले शुल बी ब्लॉग, इसके नीचे आगे वेट शुल बी 100%, इसके नीचे आगे दे दिया हाइट शुल बी 50 पिक्सल्स, इसके नीचे आगे बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल्स, इसके नीचे एंटरप्राइज किया आउटलाइन दे देंगे, आउटलाइन दे दी नन, बॉर्डर भी दे दिया मैंने जैसे कि नन, फिर आगे जब से हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज दे दी मैंने जैसे कि लीनियर शुल बी ग्रेडियंट, और फिर ग्रेडियंट देने के बाद जहाँ की तरफ से हमें डिफाइन कर लेना है, जैसे कि ए टू राइट स्लैश, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 3 2 BE 8 F, फिर कॉमा लगाया, फिर आगे जाके हमें यहाँ पे लिख दें 3 3 AD 39 F, फिर आगे जाके हमने एक कॉमा लगाया, फिर हमें आगे जाके 3 2, और फिर आगे जाके हमें लिख देना है BE 8 F, अब इतना देने के बाद हमें नीचे गए, फिर बैकग्राउंड साइज डिफाइन करा मैंने, बैकग्राउंड साइज डिफाइन कर ले रहे हैं जैसे कि 200%, इसके नीचे जाके फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे 1.2 आ रही है, इसके नीचे एंटरप्राइज करके कलर दे दिया मैंने FF, इसके नीचे एंटरप्राइज करके फॉन्ट फैमिली डिफाइन करूँगा, फॉन्ट फैमिली में डिफाइन करूँगा जैसे कि फॉन्ट फैमिली में डिफाइन करूँगा पॉप इंच, आगे जाके कॉमा सेंस सेरिफ एंटरप्राइज किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया अपर केस, इसके नीचे एंटरप्राइज किया मार्जिन दे दिया 1 आ रही है 0, और फिर एंटरप्राइज किया कर्सर दे दिया मैंने जैसे कि पॉइंटर, कर्सर शुड बी पॉइंटर, और फिर यहाँ की तरफ से हमने नीचे एंटरप्राइज किया ट्रांजिशन मैंने दे दी 0.5 सेकेंड, और फिर एंटरप्राइज किया डॉट जहाँ पे डॉट BTN शुड बी हावर, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज करने के बाद बैकग्राउंड की पोजीशन दे देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन शुड बी राइट, एंटरप्राइज किया स्लैश लगा लिख दिया मैंने 180, यहाँ पे हमने लिख देना है इसके मीडिया दे दिया स्क्रीन, एंड स्लैश लगा के लिख दिया जैसे कि मैक्स वेर्थ, स्लैश लगा के लिख दिया मैक्स वेर्थ, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 1050 पिक्सल्स, आगे जाके फिर हमने यहाँ की तरफ से लिख देना है एंटरप्राइज करके डॉट कंटेनर के बाद एंटरप्राइज के यहाँ पे हम लिख दिया ग्रिप गैप शुल्ड भी यहाँ पे 5 आ रही है, एंटरप्राइज
यहाँ की जब एंटरप्राइज स्लैश आगे मीडिया मीडिया स्क्रीन दे दिया एंड हमने दिया मैक्स वेट। यहाँ पे हमने मैक्स वेट डिफाइन कर लिया 1000 पिक्सल। आगे जाके यहाँ की जब एंटरप्राइज किया फॉर्म फॉर्म डिफाइन कर लेंगे जैसे कि वेट वेट दे दी 290 पिक्सल। और फिर यहाँ की जब हमें क्या कर लेना है यहाँ की जब हमें डॉट लॉग इन कॉन्टेंट शुड बी एस टू एंटरप्राइज किया फॉन्ट साइज शुड बी 2.4 आ रही है 2.4 आ रही है। इसके नीचे के मार्जिन शुड बी 8 पिक्सल 0 एंटरप्राइज एंटरप्राइज IMG फिर IMG फिर यहाँ की तरफ वेड़ वेड़ शुड बी 400 पिक्सल पिक्सल। फिर यहाँ की तरफ से हमने एंटरप्राइज किया और फिर अब हमें करना क्या है क्या है इसके नीचे आगे हमने मीडिया डिफाइन कर लेना है मीडिया स्क्रीन और फिर मीडिया स्क्रीन देने के बाद एंड स्लैश लगा के मैक्स वेट डिफाइन कर लेना है 900 पिक्सल्स। यहाँ की तरफ से एंटरप्राइज किया डॉट कंटेनर डिफाइन कर लिया ग्रिड टेम्पलेट शुड बी एरियाज नॉट कॉलम्स। फिर यहाँ की तरफ से वन एफ आर एंड तो फिर यहाँ की तरफ से हमने एंटरप्राइज डॉट IMG। यहाँ की तरफ से हमें आगे जाके डिस्प्ले दे देना है डिस्प्ले दे दिया मैंने जैसे कि नॉन। और फिर यहाँ की तरफ से हमें करना क्या है और फिर इसके नीचे आगे यहाँ की डॉट वेव की हमने डॉट वेव एंटरप्राइज किया डिस्प्ले शुड बी नॉट फिर एंटरप्राइज किया फिर एंटरप्राइज डॉट लॉग इन शुड बी कंटेंट फिर जस्टिफाई कंटेंट शुड बी सेंटर। अब इतना हमारा हो चुका है सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं तो जब आप अपनी फाइल खोलेंगे तो देख रहे हैं आप ये हमारा बन चुका है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आप यूजर नेम लिख सकते हैं यहाँ पे हमने दे दिया जा सकते codewisewithrb@gmail.com और अगर आप पासवर्ड लिखेंगे तो ये छुपा हुआ आएगा तो आप देख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है तो इसे आप हम लोग इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ की तरफ से आप पासवर्ड भी लिख सकते हैं इजीली से फॉर गॉट पासवर्ड लॉगिन भी कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं इजीली से हमने सर्वे फॉर्म बना लिया अपना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना।